Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. जा तो ये मेमना हाथ नहीं आ रहा था, इतना तेज था। हम लोग रेडी हो चुके हैं, अब हम लोग पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक जाएंगे। ये हमारी फेरी है। टू अट्रैक्ट अटेंशन विजिल इज प्रोवाइडेड। दो से ढाई घंटे लगते हैं पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक आने में। ढाई घंटे का पता ही नहीं चलता क्योंकि व्यू इतना अच्छा होता है, बादल इतने सुंदर बिल्कुल ऐसे नीचे को आ रखे होते हैं, बहुत ही सुंदर लगता है। कभी कभी डॉल्फिन्स भी दिख जाती हैं, फिशेस भी, जो फ्लाइंग फिश होती है छोटी छोटी वो भी दिखती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं देखने को। और क्रूज़ में मूवी चला देते हैं, बाहर कैफेटेरिया में म्यूज़िक चलता है, बहुत पार्टी वार्टी करते हैं लोग, मस्ती मारते हैं। ढाई घंटे का पता ही नहीं चलता है। जो आप सामने देख रहे हैं ये हैवलॉक है, हम लोग अब पहुंच गए हैं हैवलॉक। चलो 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 और करो प्यार उसे। अब तो देना पड़ेगा आपको ऐसे कुछ। हम लोग हैवलॉक पहुंच गए हैं। वो छोटा सा आइलैंड है, बहुत प्यारा सा। और ये मेरे पतिदेव सामान लेके जा रहे हैं, मुझे कोई सामान नहीं पकड़ाते। यहाँ से एंट्री गेट है, यहाँ अंदर जाते ही आपको टैक्सी और स्कूटी के ऑप्शंस मिल जाते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्ते और सत श्री अकाल, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं हूँ मनप्रीत कौर। अरे ये नहीं, वो जो पीछे आ रही है ना, वो हूँ मैं। हाँ ये वाली, ये वाली। तो रूम पे सामान रखने के बाद और फ्रेश होने के बाद हम लोग सीधा आ गए राधा नगर बीच। यहाँ का सनसेट बहुत फेमस है, पर बादलों की वजह से हम लोग नहीं देख पाए, पर वैसे बहुत सुंदर हो रहा था। ट्रक खड़ा है और ये हमारा रिजॉर्ट है। यहाँ बहुत भीड़ लगी पड़ी है। वो चांद है। जा रहे हैं हम काला पत्थर बीच। हम लोग को सनराइज़ देखना था यहाँ पर हम लोग सोते रह गए और 6:30 बज गए हैं। तो 6:30 बजे यहाँ पर सूरज बहुत ऊपर आ जाता है क्योंकि यहाँ का जो दिनचर्या है वो बहुत अलग है। सुबह 5 बजे यहाँ सनराइज़ हो जाता है, शाम को 5 बजे या 5:15 बजे सनसेट हो जाता है। अब सनराइज़ तो देख नहीं सकते थे तो जाना तो है ही, तो हम लोगों ने फिर प्लान किया कि वहाँ पर थोड़ा वहाँ की लहरों का मज़ा लिया जाए।
क्या कह रहे हो? हाँ वो कम हो गई लग रहा। तो मैं फिर जबरदस्ती की लहर में घुस के आ गया। ओ हम 4:30 बजे सुबह उठ गए हैं सनराइज देखने के लिए। तो दोस्तों नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग 4:45 बजे उठ के 4:30 बजे तक रेडी होके काला पत्थर निकल गए थे सनराइज़ देखने के लिए। यहाँ पे मैंने शॉपिंग भी करी थी, इयररिंग्स थी बहुत प्यारे प्यारे, मोतियों की माला थी, आप लोग भी ज़रूर लीजिएगा। वहाँ से जा रहे हैं एलिफेंट बीच ट्रैकिंग करके। आपको इतना बताएंगे अगर इतना कहीं करना ही है तो 1000 वाला कीजिए, ठीक है? तो प्लस जब जितना डीप में चलेंगे ना सर उतना अच्छा होता है। कितना डीप लेके जाएंगे उसमें मैडम? आपको ना सरफेस लेवल पे आप रहोगे, आपको जैकेट दिया जाएगा, फ्लोटर दिया जाएगा, मास्क दिया जाएगा, साथ में एक गाइड भी रहेगा पर पर्सन एक गाइड। वो गाइड आपको लेके जाएगा, आपको बताएगा। पिछली बार आपको हम कितना मीटर तक गए थे? अच्छा स्नॉर्कलिंग का स्नॉर्कलिंग से भी बेटर है यहाँ पे स्नॉर्कलिंग। आप जाने से पहले डेमो देख सकते जो आपको क्या दिखने को मिलेगा, आप देख सकते जाने से पहले है। तो दोस्तों ये जो ट्रैक है ये एलिफेंट बीच का है, आप बोट से भी जा सकते हैं अगर आप लोगों के पास टाइम कम है। हम लोगों के पास टाइम काफ़ी था, हम लोग 5 डेज के लिए आए थे तो हम लोगों ने ट्रैकिंग करी। पहुंच गए क्या? और क्या और कैसे पहुंचे? लहर तो वो लग रहा है कितने यहाँ पे पेड़ होते होंगे, कितनी ग्रीनरी होती है। नीचे है ना ये वाला है ना, ये नीचे है ना थोड़ा उनसे बीच। हाँ इस बार बहुत सारी बोट्स खड़ी है ना। देखो सी महुआ, महुआ बोल रहा हूँ। अरे यहाँ भी फिशेस भी है। आप नहीं बोलते गोवा जैसा क्यों नहीं है? पत्थर ही बचे हैं। नहीं नहीं फिश भी है थोड़े से। रीफ कलरफुल कैसे दिखते थे भूल गए वो? हाँ वो तो अलग ही सीन था। एलिफेंट बीच स्नॉकलिंग के लिए और वाटर स्पोर्ट्स के लिए फेमस है। तो अब मेरा वीडियो एंड हो रहा है इन फोटोज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out.